যশোরে ভোটবাগান এরিয়ায় 25 ফুটের একটি পরিত্যক্ত পাঁচিল গতকাল রাত্রে ভেঙে পড়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় 2 ঘন্টার চেষ্টায় পাশের বাড়িতে থাকা দুজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, আর এই পাঁচিল পড়ে যাওয়ার দরুন পাশেই থাকা 8টি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। रात को जब हम घर रुके अपने पास आए 10 बजे, 10 बज के वही 25 या 30 मिनट होता होगा, एक आवाज बहुत भयानक आवाज जैसे लगा कि बिल्डिंग कोई गिर गया। तो हम लोग जैसे अपने चीजें देखते हैं कि यहाँ पूरा पाचिल साइड का जो करीबन 25 फुट का ऊंचाई में होगा वो पाचिल हम तो बोला उत्तम का डैमेज 5 गुना और बेसी हो गया रहता तो दिक्कत नहीं है, कोई इंसान का जान चल जाता, किसी बच्चा कुछ हो जाता है। कल तो मैं 2 आदमी चप गए घर में आज के मसला से निकाला गया या फोटो में बस हुआ बा पूरा एक हफ्ता दीवार पर 2 आदमी घर फसल है आने रिपोर्ट निकल ले गई खाली कम की आदमी आ कोना रहने के आसपास का देख ले हां एक पूरा ये सब देख ले यहां का भी पार्ट डैमेज हो गया।